अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पेशावरी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल बनती है, बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाती है और जो है टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। वैसे तो ये ख़ास तौर पे दुम्बई गोश्त में बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपको मटन से बनाना सिखा रही हूँ। और इसके लिए हमें 1/2 kg मटन चाहिए, छोटे छोटे छोटी बोटी करवा लीजिएगा और हड्डी भी होना ज़रूरी है इसमें। और 3 मीडियम साइज़ के रेड टमाटर लिए हैं मैंने और 1/4 cup घी यूज़ कर रही हूँ। अगर हेल्थ इशू है तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 tablespoon मैंने जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन दोनों लिया है और उसको मोटा मोटा कूट लिया है। इसको इसमें पेस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। 1 tablespoon चॉप्ड या बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, मैंने 2 यूज़ की हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा रखना है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। 1 teaspoon जितना हमें लेमन जूस चाहिए, 1 teaspoon से थोड़ा सा कम मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, पिसी हुई नहीं यूज़ करनी है। यानी कि मैंने हल्का हल्का सा इसको कूट लिया है। और इसके अलावा ये गार्निशिंग का की चीज़ें हैं, अदरवाइज़ वैसे ही वहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं गार्निशिंग, लेकिन क्योंकि हम हमारे एशियन कुजीन में थोड़ा सा हम गार्निशिंग पर ज़ोर देते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल के इसको मेल्ट कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले जिंजर और गार्लिक डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये लाइट हल्का सा लाइट हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें हम और शामिल कर लिए। इसको हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको गोश्त को फ्राई करते रहेंगे और इसका कलर लाइट गोल्डनिश कर लेंगे। 2-3 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ। अब ये हल्का सा लाइट गोल्डनिश हो गया है। अब इसमें मैं सबसे पहले, और मैं आपको बताना भी भूल गई थी, 1 teaspoon सॉल्ट डालूँगी और उसके साथ हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप की हुई है वो डालेंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ और अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब इसमें मैं, क्योंकि ये मटन है तो तकरीबन 1/2 glass से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको कवर करके मैं पकाऊंगी तकरीबन उस वक्त तक जब तक हमारा 80% गोश्त कुक हो जाए। 1/2 घंटा हो चुका है, इसको स्लो फ्लेम पे मैंने पकाया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से 80% कुक हो जाए। अब मैं इसका बीच में आप सिर्फ चेक करते रहिएगा कि पानी ड्राई ना हो जाए। अगर पानी ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें और ऐड कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी अभी बाकी है इसी पे, और गोश्त गलना भी बाकी है तो इस पे हम ये इस तरह से टमाटर को रख देंगे और टमाटर के बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हम इसको कवर करके पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। 10 मिनट्स हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। अब हम इसका लिड हटा के इसमें ये जो टमाटर के छीके हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे। मैंने सारे टमाटर के छिलके निकाल दिए हैं। अब थोड़ा सा हम गोश्त को साइड करेंगे। और इसको यहीं पर ही हम इस स्पून की हेल्प से चॉप कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। बाकी ये कि अब हम इसको गोश्त के साथ मिक्स करके इतना भूनेंगे कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और हमारा जो घी है वो ऊपर आ जाए।
ये देखिए मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए मुझे मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते हुए, और अच्छी तरह से ये बिल्कुल भून चुका है। ऑयल भी ऊपर आ गया है, घी भी ऊपर आ गया है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसमें ये जो कुटी हुई काली मिर्ची है ये डालूँगी, और लेमन जूस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अब इसके ऊपर वैसे तो इसमें कोई गार्निशिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। गरम मसाले इसमें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत 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 मज़े का है। आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अल्लाह हाफ़िज़।